एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल में। तो चलिए आज बनाते हैं बाजरे से बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और क्रंची सा नाश्ता, जो कि बहुत ही कम ऑयल में मैंने बनाया है। इसके लिए मैं ले लेती हूँ एक बाउल और इसमें ले लेते हैं बाजरे का आटा। तो बाजरे का आटा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और इस सर्दियों में, बदलते मौसम में, तो इसको आप ज़रूर खाएँ। तो इस तरह से मैंने लगभग 5 बड़े चम्मच बाजरे का आटा ले लिया है। और इसके बाद कई बाजरे का आटा जब भी लें तो फ्रेश लेने, तो थोड़ा भी वो कड़वा जाता है, इसलिए फ्रेश लेना ज़रूरी है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं नमक 1 छोटा चम्मच, साथ ही साथ डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। और इसको डालने के बाद मैं इसमें कुछ सब्जियां ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटी हुई प्याज। तो जो भी सब्जियाँ डालें इसमें बहुत फाइन चॉप करके डालें। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है, लगभग 1 बड़ा प्याज था वो डाल दिया है। आप साथ ही साथ डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, इसका टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया लगता है। तो डाल दिया है लगभग 1 बड़ा चम्मच है, साथ ही साथ डाल दिया है इसमें शिमला मिर्च थोड़ी सी बारीक कट के, बारीक कटा हुआ गाजर भी डाल दिया है और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी अदरक और साथ ही साथ डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, वो भी फाइन चॉप करके, जो भी चीज़ डाले इसमें एकदम फाइन चॉप। और साथ ही साथ बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती भी मैंने डाल दी है। आपको जो सब्जियां पसंद हो आप उसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बाजरे का आटा और सब्जियों का बना हुआ ये नाश्ता बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप सुबह ब्रेकफास्ट में खाएं, शाम को नाश्ते में, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो देखिए इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें बिल्कुल फ्रेश दही, लगभग 2 चम्मच इस तरह से ले लिया है। और इसमें डाल देते हैं दही को भी और मिक्स कर देंगे अच्छे से सारी चीज़ों को। देख सकते हैं सारा चीज़ मेरा अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें ले लेती हूँ गुनगुना पानी और उससे मैं इसका बैटर बनाऊंगी। तो गुनगुना पानी डालने से एक तो बाजरा थोड़ा एब्जॉर्ब करता है पानी, तो इस तरह से डालेंगे तो अच्छे से सेट हो जाता है। ठंडा पानी डालने पे वो थोड़ा सा जमने लगता है, तो हमेशा इसमें गुनगुना पानी डालें। तो इस तरह से मैं डाल के इसका एक बैटर बना लेती हूँ। तो अभी ये देखिए काफ़ी थिक है, अभी इसमें मुझे थोड़ा पानी और डालना है। तो चलिए थोड़ा पानी और डाल देते हैं और इसका एक बैटर बना लेते हैं। देखिए इस तरह से लगभग मैंने इसमें 1 बड़ी कटोरी पानी लिया है और ये सारी चीज़ें अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। बढ़िया सा ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं लाल मिर्ची। चलिए अब सारी चीज़ों को मैं डाल देती हूँ। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। देखिए बिल्कुल इस तरह से मुझे ये बैटर चाहिए फुला हुआ। अच्छा ये सेट हो गया है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा, सारी चीज़ों सेट हो जाए इसलिए एक कवर लगा देती हूँ और लगा के लगभग 2 से 3 मिनट साइड में रख देते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं। जब तक ये सेट हो रहा है मैं तवा चढ़ा देती हूँ गैस पे और इस पर ऑयल स्प्रे कर देते हैं इस तरह से। आप चाहें तो ब्रश से भी ऑयल लगा सकते हैं, मैंने ये स्प्रे कर दिया है। अब इसके बाद एक इस तरह से मैंने कोई भी शेप का कटर ले लिया है, आपके पास अवेलेबल होगा तो इस तरह से ले लें। और इसके बाद इसमें इस तरह से मैं इसको पोर कर देती हूँ बैटर को और उठाते जाएंगे, फिर दूसरे साइड उठा के रख लेंगे और इसको भी मैं इसमें पोर कर देती हूँ। देखिए अच्छे से लगभग एक ही साइज़ में सब बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। इस तरीके से सारा मैं इसके ऊपर तवे पे डाल के फैला देती हूँ और गैस को अभी मुझे स्लो रखना है, इसके बाद मैं तेज करूँगी क्योंकि अभी डाल रहे हैं तो आधा जो पहले डाला हुआ है वो जल्दी सिक जाएगा, दूसरा वाला थोड़ा कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए स्लो रखते हैं। सारा बैच जब मैं इसके ऊपर फैला देती हूँ अच्छे से, उसके बाद अब मैं इसके ऊपर फिर से एक थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देंगे ताकि ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल आ जाए। साथ ही साथ फिर आप लगभग 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो थोड़ा सा इसमें क्रिस्पी ये और हो जाएगा, इसलिए मैंने डाल दिया है। और इसके बाद आप गैस को थोड़ा सा
लो टू मीडियम गैस पे इसको मैं सेकूंगी। तो चलिए अच्छे से देख लेते हैं इसको, ये सिक रहा है, देखिए कलर कितना बढ़िया सा आ रहा है। और ये इस तरह से मैंने पलट दिया है, ये बहुत आपको टेस्टी लगेगी रेसिपी, आप इस बार ट्राई ज़रूर करिएगा और इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये तो आप इसको लहसुन की चटनी के साथ भी खाएंगे, लाल वाली, उसके साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है और बिल्कुल इसको सुनहरा गोल्डन कलर आने तक, अंदर से क्रिस्पी होने तक इसको मुझे अच्छे से इसी तवे पे सेकना है। तो 2 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, अच्छे से रेडी हो गया है। इस तरीके से मैं सारा सेक के बना के रख लेती हूँ। अब इसकी कर लेते हैं एक अच्छी सी प्लेटिंग। तो सारा मैंने देखिए इस तरह से निकाल लिया है, इसके ऊपर रख देते हैं कुछ ओनियन के रिंग्स, देखने में भी अच्छा लगता है, कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है। चलिए सारा ओनियन रिंग्स रख दिया है मैंने, और इसके ऊपर डाल देंगे फ्रेश हरी धनिया की चटनी जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। आप इस तरह से रख दिया है तो ये मेरी रेसिपी गाइस बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। प्लीज़ मुझे कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।